गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 की तीसरी कविता जो है कि बिहारी के तोहे, उस पाठ को पढ़ेंगे। तो पाठ की ओर आगे बढ़ते समय सबसे पहले इस पाठ की रूपरेखा हम समझ लें। बिहारी के दोहों में लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों का वर्णन है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों में बिहारी ने भक्ति में निहित बाह्य आडंबरों का खंडन किया है तथा नायक नायिका की चेष्टाओं तथा हाव भाव का चित्रण सामासिक शैली में किया है। इन दोहों में उन्होंने कम शब्दों में अधिक बात कहने का सामर्थ्य दिखाया है। बिहारी के यह दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। उसके बाद हम लोग कवि परिचय देखते हैं। इनका जन्म सन 1595 ग्वालियर में हुआ था। भाषा में शुद्ध ब्रज भाषा व बुंदेलखंडी शब्दों का मिश्रण है। रचना इनकी बिहारी सतसई और इनके रचनाओं की विशेषता है लोक व्यवहार व नीति ज्ञान, ऐसे दोहों के लिए ही जाने जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा पहला दोहा है, सोहत ओढ़े इतुपट श्याम सलोने कात मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। नीचे आपको दोनों दोहों से संबंधित जो शब्द अर्थ हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले हम लोग शब्द के अर्थ को देख लें, उसके बाद हम लोग दोहे के अर्थ देखेंगे। इतु मतलब पीला, पटु मतलब कपड़ा, नीलमणि सैल नीलमणि का पर्वत, आतपु धूप, अहि सांप, दीर्घ दाग भयंकर गर्मी और निदाग यानी कि ग्रीष्म ऋतु। पद की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो दोहा है उसका अर्थ है, प्रस्तुत दोहे में नायक की नील छवि पर पीले वस्त्र की शोभा का वर्णन किया गया है। कवि बिहारी भगवान श्री कृष्ण की भव्य शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सुंदर श्यामल शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है। आपने जब भी कृष्ण की छवि देखी होगी, मूर्ति देखी होगी, तो पीले रंग का वस्त्र वो धारण करते हैं। इस अनुपम वेश में वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की आभा नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो तथा संपूर्ण वातावरण उस छटा से आलोकित हो रहा है। अर्थात इसमें श्याम के सुंदर जो चरित्र है उसका वर्णन किया गया है। दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाल जगत तपोबंध सौ कियो दीरग दाग निदाग। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कवि अत्यधिक गर्मी के कारण वन्य जीवों में समाप्त हुए बैर भाव और उसके कारण उत्पन्न हुए आपसी सौहार्द के भाव को वर्णित करते हुए ये कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड प्रभाव के कारण चारों ओर अत्यधिक गर्मी का प्रकोप है। मतलब जब ग्रीष्म ऋतु होती है तभी, जैसे अभी जो मौसम है, चारों तरफ कितनी गर्मी होती है। ऐसे वातावरण में, ऐसे एनवायरमेंट में सर्प मोर हिरण बाघ जिनमें परस्पर स्वभावगत शत्रुता होती है, जो एक दूसरे के शत्रु होते हैं, विरोध करते हैं एक दूसरे का, वे भी आपसी शत्रुता को भुलाकर साथ साथ अहिंसक रूप से निवास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण वन प्रदेश का हिंसक वातावरण तपोवन की भूमि के रूप में परिवर्तित हो गया है। अर्थात अत्यधिक गर्मी के कारण सभी वन्य जीव निढाल मतलब शांत हो गए हैं और सभी अहिंसक बनकर एक साथ रहने लगे हैं। इतनी गर्मी है कि गर्मी से परेशान होकर लोग लड़ाई झगड़ा और दूसरे से विरोध करना कम कर दिए हैं। अगले स्लाइड में बढ़ेंगे हम लोग। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे भवन हसे दैन कहे नटी जाई। और चौथा दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनहु सी नैनहु ही सब बात। शब्दार्थ देखेंगे, बतरस यानी बातचीत का जो हमको आनंद मिलता है, दूसरे से बात करते हो जो खुशी प्राप्त होती है, लुकाई यानी छिपना, सौ शपथ, भौन यानी आपके भौ यानी कि आंखों के जो आईब्रोज होते हैं, नटी यानी मना करना,
रिझत मोहित होना और खिझत यानी बनावटी गुस्सा दिखाना, मतलब कि सही का गुस्सा नहीं बनावटी गुस्सा दिखाना। दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे, तीसरा दोहा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हसे दैन कहे नटी जाई। अर्थात इस दोहे में भक्ति एवं श्रृंगार का अद्भुत संगम बिहारी की काव्य प्रतिभा का प्रमाण है तथा इसमें राधा गोपियों एवं श्री कृष्ण के मनोरम भावों की झांकियां प्रस्तुत है। बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण से वार्ता सुख प्राप्त करने को उत्सुक गोपी ने भगवान कृष्ण की मुरली को छिपा दिया कि न रहेगी मुरली और न वो मुरली बजाने में व्यस्त होंगे बल्कि वो हमसे बातें करेंगे। एक और वह कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की सौगंध खाती हैं, कसम खाती हैं, और दूसरी ओर भौहो ही भौहों में हंसने लगती हैं और संकेत भी देती हैं कि मुरली उसी के पास है। मतलब कि अगर वो कहती है कि नहीं मुरली मैं नहीं जानती और दूसरी तरफ वो इशारे से अपना एक्सप्रेशन से ये बताती है कि मुरली तो मैंने ही छिपा के रखी है, परंतु जब श्री कृष्ण मुरली देने को कहते हैं तो वो मना कर देती है कि मुरली तो उनके पास है ही नहीं। गोपी कृष्ण से ऐसा व्यवहार इसलिए करती हैं जिससे वह अधिक से अधिक समय श्री कृष्ण के आश्रय में श्री कृष्ण के साथ रहे, सुख और उनकी बातों का आनंद प्रदान कर सके, मतलब आनंद प्राप्त कर सके भगवान का। भगवान के साथ रहेंगी, उनके साथ खुश रहेंगी, उनके साथ बातें करेंगी और उस आनंदित होती रहेंगी। अगला दोहा है, कहत नटत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन हुई सब बात। अर्थात प्रस्तुत दोहे में नायक और नायिका की चातुरी से आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के सभी भावों को प्रकट कर देने का वर्णन किया गया है। अर्थात नायक और नायिका एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वो किस तरह की भाव भंगिमाएं दिखाते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के सामने किस तरह से अपना व्यवहार प्रदर्शन करते हैं। लोक व्यवहार एवं नगरीय जीवन के अनुभवी बिहारी ने गुरुजनों से भरे हुए भवन में नायक एवं नायिका के प्रेम व्यापार संबंधी भावों को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। नायक नायिका से संकेतों के माध्यम से मिलने का निवेदन करता है जिसको नायिका नकार देती है। जब नायक नायिका के मना करने की भंगिमा यानी कि वो जब मना करती है तो वो रीझता है, तो वह बनावटी गुस्से का भाव दिखाती है। वो मना करती है तो ये थोड़ा सा गुस्सा दिखाता है कि मैं गुस्सा हो गया, तो फिर तब दोनों की आंखें मिलती हैं जिससे वे प्रफुल्लित होते हैं और अंत में नायिका अपनी व्यक्त प्रसन्नता से लज्जित हो जाती है। इस प्रकार नायक और नायिका दोनों ही लोगों से भरे भवन में आंखों ही आंखों में सारी बात कर लेते हैं। अर्थात इस पद में, इस दोहे में नायक और नायिका जो कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनका वर्णन है, यानी वो किस तरह से एक दूसरे को मिलने के लिए मनाते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, आंखों ही आंखों में बातें करते हैं, इस चीज का वर्णन मिलता है। अगला स्लाइड है, बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माँ देखी दुपहरी जेठ की छाहो चाहती चहा। और अगला है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात कहीं है सब तैरो हियो मेरे हिये की बात। शब्द अर्थ देखेंगे पहले, सघन बहुत घना, पैठी घुसना, सदन तन भवन में, कागद कागज, संदेशु संदेश, हिय हृदय। अब हम लोग दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। पांचवा दोहा है, बैठ ही रही अति सघन बन बैठी सदन तन माँ देखी दुपहरी जेठ की छाहो चाहत इच्छा। अर्थात प्रस्तुत दोहे में ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी, जेठ का महीना अभी ये जेठ का महीना ही चल रहा है, ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी के प्रकोप का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि भीषण गर्मी में जब पृथ्वी का संपूर्ण धरातल जल रहा होता है, चारों तरफ गर्मी छाई होती है, ऐसे में हो सके तो बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही निवास करना चाहिए। वैसे भी अभी कोरोना वायरस, उसकी वजह से भी लोग घर में हैं और गर्मी भी एक वजह है जिसकी वजह से लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है।
सूर्य के तीक्ष्ण किरणों के प्रभाव के कारण कहीं भी छाया के दर्शन नहीं होते। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसा लगता है मानो छांव को भी छांव की आवश्यकता है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि छांव को भी छांव की आवश्यकता है, यानी कि जो हमें शैडो मिलती है, हमें जो छाया मिलती है, उसको भी छाया की आवश्यकता है, इतनी गर्मी पड़ती है। अतः ऐसा लगता है कि ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी से त्रस्त होकर छाया भी छांव की आकांक्षा में या तो सघन वनों में जाकर बैठ गई है अथवा लोगों के घरों में छिपकर बैठ गई है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हुआ नहीं है। काव्य ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारी चीजें हमको माननी पड़ती है, वो रियल में नहीं होती है, लेकिन हमको ऐसा मानना पड़ता है। अगला दोहा है, छठा दोहा। कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो ही मेरे ही एक ही बात। अर्थात प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायिका की विकल मनोस्थिति, व्याकुल मनोस्थिति जो भी उनकी है, उसकी दुविधा, उसके लजाने आदि संबंधी वियोग पक्ष का अत्यंत सटीक शब्दों में मार्मिक चित्रण किया है। मतलब कि नायिका के बारे में बताया है कि उसको कितनी दुविधा होती है, उसकी मन स्थिति कैसी होती है, वो किस तरह से लजाती है और बहुत सारी चीजों का ध्यान रहता है, उसके हिसाब से वो अपना व्यवहार प्रदर्शन करती है। नायिका अपने प्रिय को अपने मन की स्थिति से परिचित कराना चाहती है, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी वह असफल रहती है। नायिका बताना चाहती है नायक को कि वो कितनी परेशान है, लेकिन वो नहीं कर पाती। बिहारी कहते हैं कि अत्यधिक श्वेत यानी अत्यधिक पसीना, कंपन एवं अश्रुपात के कारण नायिका अपने प्रिय को संदेश लिखने में असमर्थ है और अपने हृदय के भावों को दूत के माध्यम से संदेश रूप में व्यक्त करने में उसे लज जाती है। वो चाहती है कि कुछ लिख के दे, लेकिन उसकी आंसू, उसके शरीर का जो घबराहट है, उसका जो डर है, उसकी जो पसीने हैं, जिसकी वजह से वो अपने संदेश को लिख नहीं पाती, और वो चाहती है कि उसके संदेश को कोई पहुंचाए, लेकिन वो इतनी लज्जा आती है उसको कि वो अपने संदेश को दूसरों तक बोल भी नहीं सकती कि हाँ ये संदेश है और जाके मेरे नायक को दे दो। अतः वो अपने प्रिय से कहती है कि वीरा की इस स्थिति में तुम्हारा हृदय भी मेरे हृदय की सारी बातें कह देगा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी स्थिति एक जैसी है। कहा जाता है ना कि दोनों का हृदय एक साथ धड़कता है, तो अगर मैं अपने हृदय में कोई बात कहती हूँ तो वो तुमको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम दोनों की स्थिति सेम है, एक जैसी है। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, तो शायद तुम भी इस तरह का महसूस कर रहे होंगे। अगले स्लाइड की तरफ, सातवां और आठवां। प्रगट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरों कलेश सब केसव केसव राई। और लास्ट है, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। उसके पहले हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। द्विजराज यानी चंद्रमा और ब्राह्मण भी कहते हैं, सुबस अपनी इच्छा से, केशव राई यानी बिहारी जो कवि हैं उनके पिता, जप माला जपने की माला, छापे यानी छापा, मन काचे बिना सच्ची भक्ति वाला मन जिसमें कोई सच्ची भक्ति नहीं होती, और साचे यानी जिसमें सच्ची भक्ति होती है। दोहे की तरफ बढ़ेंगे। प्रगट भये द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केसव केसव राई। इस दोहे के दो अर्थ हैं, पिता के प्रसंग में एवं कृष्ण के प्रसंग में। मतलब दो चीजें हैं इस दोहे में, दो तरह की बातें कही गई हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि भगवान कृष्ण का रूपक अपने पिता केशव राय से करके उनसे अपने क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वो भगवान को अपने पिता के समान बताते हैं और बोलते हैं, जिस तरह मेरे पिता मेरी सारी परेशानी को हर लेते हैं, हटा देते हैं, इसी तरह ये भगवान आप भी मेरी सारी परेशानी को दूर करिए। पिता से रूपक इसलिए किया गया है क्योंकि पिता संतान का दुख स्वभाव से ही हटता है, जैसा कि मैंने बताया। बिहारी भक्ति के मर्म के ज्ञाता है, अतः एक पिता की मन स्थिति के अनुसार अपने सांसारिक दुखों को हरने के लिए केशव राय भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना कर रहे हैं। बिहारी कहते हैं कि आप चंद्रकूल के यदु वंश में उत्पन्न हुए हैं और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे, अतः हे श्री कृष्ण आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें।
यानी कि जिस तरह से पिता मेरे कष्टों को दूर करते हैं, मेरी परेशानी को वो अपने आप ही समझ लेते हैं, इसी तरह से आप भी मेरे परेशानियों को समझिए और उन कष्टों को दूर करिए। और जो सबसे लास्ट सबसे अंतिम दुआ है वो है, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर भक्ति में ढोंग आडंबर और पाखंड की निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने पर बल दिया है। यानी कि हमको भगवान से सच्ची भक्ति करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना है हमें, हमें आडंबर नहीं दिखाना, हमें ढोंग नहीं रचाना, हमें पाखंड नहीं करना, हमें भगवान से सच्ची भक्ति करना है। माला का जाप, शरीर पर राम नामी वस्त्र धारण करना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना आदि, ये सब बाह्य आडंबर है, ये सब दिखावा है। इन सब प्रयासों से प्रभु भक्ति नहीं होती है। कच्चे मन वाले व्यक्ति ही व्यर्थ की बातों की ओर आकर्षित होते हैं। अभी हमारा क्या है, हम पूजा करते रहते हैं तब तक हमारे मन में और भी बातें चलती हैं। यानी कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कच्ची है, सच्ची नहीं है। राम तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, अर्थात भोग और पाखंड से प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्हें तो केवल शुद्ध और पवित्र मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर हम भगवान की पूजा करते हैं 5 मिनट ही करें, लेकिन वो मन से करनी चाहिए, ऊपरी दिखावा नहीं करना चाहिए। कम से कम करो, लेकिन जरूरत ही क्या है करने की, ना करो। भगवान से सच्ची भक्ति करो, कम समय के लिए करो, लेकिन जो भी करो वो सच्ची भक्ति करो। और इसी के साथ ये बिहारी के जो दोहे हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।